गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स. वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर साइंस, फूड एंड इट्स सोर्सेज. फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके क्या क्या सोर्स हैं, इसको आप लोग कल पढ़ा था आपने. फूड एंड न्यूट्रिशन, जब लोग फूड खाते हैं उसमें कुछ केमिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ओके, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ आर बॉडी, प्रोवाइड्स एनर्जी नेसेसरी टू कैरी आर वेरियस फॉर एक्टिविटीज लाइफ, हेल्प इन रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट सेल्स, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिसीजेज एंड कीप इट फ्री, कीप इट फिट. सोर्सेज ऑफ फूड, वॉट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, वॉट आर इन्ग्रीडियंट्स, इन्ग्रीडियंट्स आर द मटीरियल्स विच आर यूज टू मेक एनीथिंग. ओके, फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम प्लांट, द मेन सोर्स ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट. So plants are producers and animals are consumers and we are also consumers. Fruits, vegetables, pulses and many products we find from vegetables. We eat root of plant, we eat stem of some plants, we eat leaves of some plants, we eat flowers of some plants. Tick. And we eat seeds of some plants. यहाँ तक कल बताया था, सीड तक, सीड नहीं बताया था, है ना, फ्रूट्स तक बता दिया, सीड से पढ़ाना. ओके, सीड्स, द सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड. वी ईट सम सीड्स ऑफ प्लांट्स. पल्सेज दैट वी ईट आर ऑल्सो सीड्स ऑफ प्लांट्स. ये भी सीड्स हैं. स्पाइसेज सच एज सीमन सीड, फेनल and coriander are also seeds. पढ़ा था ये भी कल आपने. For cooking, different types of oil are used at home. Different type of oil we use at home. Many of these oils are obtained from seeds. Oil किससे बनता है? Seeds से. Examples such oil are mustard oil obtained from mustard seed and sesame oil obtained from sesame seed. तेल जिसको कहते हैं आप लोग हिंदी में. ओके, फूड फ्रॉम एनिमल, अभी तक तो फूड फ्रॉम प्लांट था, नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स कंज्यूमर अ वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोड्यूस एज फूड प्रोडक्ट्स. ह्यूमन बींग्स, वी आर कंज्यूमर, ऑल ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. हाँ, दस है, ह्यूमन बींग कंज्यूम वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड. एज अ फूड एनिमल गिव्स अस वैरायटी ऑफ food. Different animals provide us different type of food product. Different animal gives us provide us different types of food. Number one, let's see, we get eggs from hen. We eggs jo egg khate hain, hen deti hai, duck and quail. Second, we get meat from hen, goat, duck and fish. Those who eat meat, they get meat from hen, goat, duck and fish. We get मिल्क, वी ऑल्सो गेट मिल्क फ्रॉम काउ. काउ हमें क्या देती है? मिल्क देती है. बफेलो, गोट एंड कैमल, दीज एनिमल गिव्स अस मिल्क. सेवरल डेयरी प्रोडक्ट सच एज घी, चीज, बटर, योगर्ट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क. ये सब किससे बनते हैं? मिल्क से बनते हैं. हनी बीज, हनी बीज प्रोवाइड अस विथ हनी. हनी हमको क्या देते, हनी बीज क्या देते हैं? हनी, विच दे प्रिपेयर फ्रॉम द नेक्टर ऑफ प्लांट. प्लांट के नेक्टर से बनता है एंड स्टोर इन देयर बी हीव्स, और उनके बी हीव्स से बीव्स में वो स्टोर करते हैं. इट इज अ यूनिक फूड, ये बहुत ही अच्छा फूड है. एज ऑल अदर फूड आइटम नीड अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन बट हनी डजंट. इसको आप कहीं पे भी रख दीजिए, इसको कोई कंडीशन अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन की नीड नहीं होती. आप इसको कभी भी कहीं पे भी रख दीजिए, ये खराब नहीं होता, ये खराब कभी भी नहीं होता है. ओके, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड पीपल कैटेगराइज एज वेजिटेरियन. बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फूड, जो प्लांट से हम लोग खाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं उसको किस कैटेगरी में करते हैं? वेजिटेरियन. और नॉन वेजिटेरियन जो फ्लश ऑफ एनिमल्स लेते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. लेट्स सी, वेजिटेरियन डू नॉट ईट मीट. वेजिटेरियन जो होते हैं वो मीट नहीं खाते. दे ईट प्लांट्स, खाली प्लांट्स खाते. दे ईट द प्लांट्स पार्ट सच एज फ्रूट, प्लांट का पार्ट खाते, फ्रूट वेजिटेबल. नॉन वेजिटेरियन प्राइमरली ईट मीट, ये सबसे पहले मीट और एग खाते हैं. दे बोथ कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. और ये वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं. नोट, वेजेंस डू नॉट ईट एनिमल्स प्रोडक्ट. जो वेजेंस होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, लाइक एग, मिल्क,
चीज़, योगर्ट एंड सो ऑन। ओके, रन थ्रू क्या देखा, फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड क्या होता है, हम लोग को एनर्जी देता है, कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज, हमारी लाइफ एक्टिविटीज के लिए, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर वॉर्न आउट सेल एंड प्रोडक्ट बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। फूड जो होता है हम लोग को एनर्जी देता है ताकि हम लोग अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से कर सके, हेल्प इन ग्रोथ हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सके, रिपेयर वॉर्न आउट सेल जो आपके सेल वॉर्न आउट हो चुके हैं और रिप्लेसमेंट उनकी करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट आर बॉडी हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करता है, किससे, वेरियस डिसीजेस से, तरह तरह की बीमारियों से। वी ऑब्टेन वराइट फूड कंटेन, सेकेंड वाला देखिए क्या अभी तक पढ़ा हम लोग ने फूड के बारे में, फूड सर्टेन फूड कंटेन सर्टेन केमिकल कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, हम लोग की गुड हेल्थ के लिए फूड में कुछ फूड कंटेन कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मतलब वो हम लोग को लेना बहुत जरूरी होता है बिकॉज ऑफ आर गुड हेल्थ। वी ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी ऑब्टेन हम लोग वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं किससे, प्लांट्स से एंड एनिमल्स से। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, तो इसे हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करते हैं अदरवाइज इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, अपने खाने के लिए, हेज दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसलिए हम उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स रूट्स स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्रूट सीड्स ऑफ वेरियस प्लांट्स आर ईटन, ये सब प्लांट के पार्ट्स हैं जो हम लोग के ज्यादा खाए जाते हैं। ह्यूमन बींग आर कैटेगराइज्ड वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बेस देयर फूड प्रिफरेंस, वो कैसा फूड खाते हैं इस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं उनको कि दैट दे आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन क्या है इसको करते हैं। ओके, ट्रैक योर प्रोग्रेस, देखते हैं आपने कितना समझा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है इसको देखते हैं। पोटैटो इज एन एडिबल स्टेम, इज इट ट्रू और फॉल्स दीपिका, पोटैटो जो है वो स्टेम है एडिबल, कृष्णा अविरल इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, ओके ये ट्रू है। बीटरूट रेडिश एंड टर्निप्स ऑल आर फ्रूट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, बीटरूट रेडिश एंड टर्निप ऑल आर रूट्स नॉट फ्रूट्स, एनिमल प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द प्लांट, दीपिका इज इट ट्रू और फॉल्स, एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन प्लांट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, एनिमल्स कॉल कंज्यूमर्स दे टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। बटर एंड योगर्ट आर मिल्क प्रोडक्ट, बटर एंड योगर्ट यस दे बोथ आर मिल्क प्रोडक्ट, इफ नॉट स्टोर्ड अप्रोप्रिएट कंडीशन हनी गेट स्पॉइल्ड फॉल्स, हनी कैन सर्वाइव इन एनी कंडीशन। ओके, वेजिटेरियन ईट मीट एंड मिल्क फॉल्स, नॉन वेजिटेरियन ईट मीट एंड मिल्क, वेजिटेरियन ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स नॉट एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का एक एग्जाम्पल बताइए, एनिमल, एनिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर, जो एनिमल है दे ऑल आर कंज्यूमर, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आर कंज्यूमर, विच टाइप ऑफ फूड सोर्स डू चीज एंड बटर बिलोंग टू, दीज बोथ आर एनिमल प्रोडक्ट एंड मिल्क फ्रॉम वी गेट इट फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क इज अ एनिमल प्रोडक्ट, नेम एंड एडिबल स्टेम विच इज यूज इन मैनी डिशेज, योर फर्स्ट लाइन पोटैटो इज एन एडिबल स्टेम है पोटैटो, तो वी कैन यूज इट इन मैनी डिशेज एंड वी कैन यूज इट एज स्नैक्स। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, अपनी फूड के रिक्वायरमेंट्स के लिए एनिमल डिपेंड टोटली ऑन प्लांट्स। हैव यू एवर थ्रो वॉट चिपमंक ईट्स, वॉट डू पीपल फीड देयर पैट्स, सेवरल काइंड ऑफ एनिमल आर ऑफ फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वॉट आर देयर फूड हैबिट्स, उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, वॉट डू दे ईट, Do all animals eat grass? Animals can be classified into following types of basis of the type of food they eat. Okay. Based on that animal eat, we classify them three main categories: herbivorous, carnivorous, and omnivorous.
look at the picture. Okay, children, in the next day we will discuss the animals, food habits, categories. Okay, read this chapter very carefully 2 or 3 times. In next video we will continue this chapter. Okay, children, good day.